बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर गुलाम हैदर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मादरे इल्मी। स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश ग्रेड 10 के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 3 ट्राई ट्राई अगेन को लर्न करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स इस पोइम को विलियम एडवर्ड हिक्सन ने लिखा है। सबसे पहले मुसन्नफ का मुख्तसर तारफ। विलियम एडवर्ड हिक्सन 7 जनवरी 1803 को बरतानिया के शहर लंदन में पैदा हुए और 22 मार्च 1870 को सेवन ऑक्स बरतानिया में वफात पाई। वो आमतौर पर रिचमैन हॉब्सन और डब्ल्यू ई हिक्सन के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बरतानवी तालीमी मुसन्नफ था। वो वक्त और ईमान के मुसन्नफ थे और वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू के एडिटर भी रहे। उन्होंने बरतानवी कौमी तुराने के ऑफिशियल पीस वर्जन का एक हिस्सा तहरीर किया जिसे प्रेवी काउंसिल ने मंजूर किया। 1925 के एडिशन में गाना प्रेस के गानों की तारीफ में शाये हुआ और एक लाइन में तब्दीली के साथ 1933 के एडिशन में शाये हुआ। स्टूडेंट्स इनकी ये पोएम जो है ट्राई ट्राई अगेन बहुत ही पॉपुलर हुई। आते हैं इस नज़म के तारफ की तरफ। ये मुख्तसर नज़म दोबारा आजमाएं या बार बार कोशिश करें। विलियम एडवर्ड हिक्सन ने लिखी है। उन्होंने अपने इखलाकी गानों में इस नज़म को 3 कोशों का हवाला दिया है। शायर कहता है कि अगर पहले में आप कामयाब नहीं होते तो दोबारा कोशिश करें, ज़्यादा आसानी से ना हारें। इस्तकामत ख़त्म हो जाती है। नाकामी लोगों के लिए कामयाबी का तरीका सीखने में अच्छा सबक है। नाकामी एक अच्छा उस्ताद है। ये आम है कि आप नाकाम हो सकते हैं क्योंकि पहले आपको कोई ख़ास काम करने का तजुर्बा नहीं होता। किसी गलत काम के बाद छोड़ने की बजाय हम हमेशा पहली बार कामयाब नहीं हो सकते। सीखने, तजुर्बा करने और कामयाब होने में कुछ वक्त लगता है। हम अक्सर मायूस हो जाते हैं। हम नाकाम होने के खौफ की वजह से भी हार मान सकते हैं। ये यकीनी है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद तक पहुंचने से पहले बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। कोई भी सिर्फ कामयाबी नहीं जानता, दोबारा कोशिश करें ही कामयाबी का वाहद रास्ता है। अगर हम हिम्मत नहीं हारते तो एक दिन आपको कामयाबी का यकीन हो जाएगा। स्टूडेंट्स आते हैं स्टेंजा 1 की तरफ। टेक्स्ट बुक का पेज 28। टिस अ लेसन यू शुड हीड। ये एक सबक है जिसकी तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए। वो सबक क्या है? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर तुम पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। देन योर खर्च शुड अपीयर, फिर तुम्हारे दिल में हौसला पैदा होगा। फॉर इफ़ यू विल प्रिजर्व, क्योंकि अगर तुम साबित कदम रहोगे, यू विल कंकर, नेवर फियर, तुम फतायाब होगे, डरो नहीं, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। स्टूडेंट्स स्टैंजा 2। वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, अगर एक या दो दफ़ा तुम फेल हो जाओ। इफ़ यू वुड एट लीस्ट प्रीवेल, आखिर तुम कोशिश करोगे तो गालिब आ जाओगे, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इफ वी स्ट्राइव टेस्ट नो ग्रेस, अगर हम कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल भी रुसवा ही नहीं। दो वी डिडेंट विन द रेस, अगरचे हम दौड़ को नहीं जीत पाते। वी शुड नॉट वी वट शुड यू डू इन दैट केस, तो सूरत में हमें क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। स्टूडेंट्स स्टैंजा 3। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर तुम्हें अपना काम मुश्किल लगे तो ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, वक्त आखिर आपके लिए कामयाबी लाएगा। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करते रहो। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, अगर तमाम दूसरे लोग कर सकते हैं, वाई विद पेशेंस यू शुड नॉट यू, तुम सब्र के साथ क्यों नहीं करते? ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ इस असूल को जहन में रखो, ट्राई अगेन, के दोबारा कोशिश करते रहो। स्टूडेंट्स समरी ऑफ द पोएम, इस पोएम की शॉर्ट समरी खुलासा जो कि एग्जाम में आपने लर्न करना होता है। दिस शॉर्ट पोएम ट्राई अगेन हैज़ बीन रिटन बाय विलियम एडवर्ड हिक्सन। इस नज़म को विलियम एडवर्ड हिक्सन ने लिखा है। ही हैज़ कोटेड दिस पोएम 3 टाइम इन हिज मॉरल सॉन्ग, अपने इखलाकी गीतों में उसने इसको 3 दफ़ा दोहराया है। द पोएट सेज इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन,
शायर कहता है कि अगर आप पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते तो दोबारा कोशिश कीजिए। डोंट गिव अप टू इजीली, आसानी से काम अपनी कोशिश को तर्क मत कीजिए। प्रिसिस्टेंस पेस ऑफ इन द एंड, साबित कदमी आखिर में बार आवर साबित होती है। फेलियर इज़ अ गुड लेसन फॉर द पीपल टू लर्न हाउ टू सक्सीड, कामयाब होने के लिए नाकामी लोगों के लिए अच्छा सबक है। फेलियर इज़ अ गुड टीचर, फेलियर एक अच्छा उस्ताद है, नाकामी एक अच्छा उस्ताद है। इट इज़ कॉमन दैट यू मे फील फेल बिकॉज एट फर्स्ट यू हैव नो एक्सपीरियंस हाउ टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। आप ये आम बात है कि आप इसलिए नाकाम हो सकते हैं क्योंकि आपको किसी खास काम करने का कोई तजर्बा नहीं होता। इंस्टेड ऑफ क्विटिंग आफ्टर यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, अगर आपसे कुछ गलत हो जाए तो काम को बंद करने की बजाय, उसे तर्क कर देने की बजाय, वी कैन नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल द फर्स्ट टाइम, हम पहली मरतबा में कामयाब नहीं होते हमेशा। इट टेक्स अ टाइम, इट टेक्स अ वाइल टू लर्न, सीखने के लिए कुछ वक्त लगता है। टू एक्सपेरिमेंट, तजर्बा करने के लिए, एंड टू सक्सीड, और कामयाब होने के लिए। वी ऑफन गेट फ्रस्ट्रेटेड, हम अक्सर उकता जाते हैं। वी मे इवन गिव अप बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलिंग, नाकामी के डर की वजह से भी हम तर्क कर देते हैं। इट इज़ सर्टन दैट वी विल हैव टू गो थ्रू ग्रेट डिफ़िकल्टीज, ये मुमकिन है कि हमें बहुत सी आजमाइशों में से गुजरना पड़े बिफोर वी रीच टू आर गोल, अपने मकसद तक पहुँचने के लिए। नो बॉडी नोज ओनली सक्सेस, कोई ऐसा फ़र्द नहीं जो सिर्फ कामयाबी को ही जानता हो। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करना इज़ द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल, कामयाब होने का वाहद रास्ता है। इफ़ यू डोंट गिव अप ओनली वन डे यू विल बी श्योर टू सक्सीड, अगर आप तर्क नहीं करोगे तो एक दिन यकीनन कामयाब हो जाओगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में कौन सा सबक बताया गया है, सिखाया गया है। द लेसन दैट इज टॉट इन द फर्स्ट स्टेंजा इज दैट इफ यू फेल वंस और ट्वाइस, अगर एक या दो दफ़ा आप फेल हो जाएं, यू शुड नॉट गिव अप, आपको तर्क नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट अ डिसग्रेस, ये रसवाई नहीं है। डोंट गिव अप एंड ट्राई अगेन, तर्क मत करो और कोशिश जारी रखो कामयाब होने तक। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द फेलियर, हम नाकामी से क्या सीख सकते हैं। वी लर्न आर वीकनेसेस एंड शॉर्ट कमिंग, हम अपनी कोताहियों और कमियों को सीखते हैं। फ्रॉम आर फेलियर, अपनी नाकामी से। फेलियर इज़ अ गुड टीचर, फेलियर एक अच्छा उस्ताद है। हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिसग्रेस, किस तरह से नाकामी रसवाई नहीं है। वाइज मैन लर्न फ्रॉम देयर फेलियर, अकलमंद लोग अपनी नाकामी से सीखते हैं। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करना गेट सक्सेस, कामयाबी लाता है। एंड बिकम रिस्पेक्टेबल, कामयाब होकर आप काबिले इज्जत बन जाइए। इन दिस रिस्पेक्ट, इस लिहाज से फेलियर इज नॉट अ डिसग्रेस, फेलियर नाकामी नहीं है। हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई, हमें कितनी मरतबा कोशिश करनी चाहिए और क्यों। वी शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग टिल वी अचीव आवर गोल, जब तक हम अपना मकसद हासिल नहीं कर लेते हमें कोशिश करते रहना चाहिए। वट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड आर टास्क हार्ड, अगर हमें अपना काम मुश्किल लगे तो क्या करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू फाइंड फुलफिल आर टास्क इवन इट मे बी हार्ड, अगर हमारा काम सख्त भी हो तो तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी भी कोशिश को तर्क नहीं करना चाहिए। होप एंड कीप ट्राइंग टिल, और उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी कामयाबी तक कोशिश को जारी रखना चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। इंटेंसिव स्टडी मटेरियल के लिए आप ईमेल कर सकते हैं heather201eb@gmail.com पे, या कॉन्टैक्ट करें 03084165557 पे। यूट्यूब पे हमारे चैनल मादरे इल्मी को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए। अल्लाह हाफिज़।